ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਸੁਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾ ਦੇ ਮਗਤਿਓ ਸਖਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਗਤਿਓ हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह मेरे अज़ीज़ मोमिनीन, आए हम आज खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं उसकी दी हुई सारी नेमतों के लिए, बरकात के लिए, वो खुदा जो हमारी जिंदगियों में अदा करता है। हम आज अपने इस घराने के साथ, जेम्स जोसेफ और पूरे घराने के साथ मिलकर हम आज शुक्रगुजारी की इबादत खुदा उनके हुजूर गुजरानते हैं। खसूस तौर पर दुआ करते हैं शालोम पॉल के लिए, जिसका दिल का ऑपरेशन कामयाबी से हुआ है, और हम खुदावंद खुदा का आज शुक्र अदा करते हैं। और ये खास इबादत आज इसीलिए खुदावंद की हजूरी में गुजरानी जा रही है कि उस खुदा ने हमारे इस बेटे को बरकत और फजल अता किया और उसका दिल का ऑपरेशन कामयाब हुआ। दूसरी हम दुआ करते हैं कि सैमसन पॉल को खुदा खुदा ने गाड़ी तोहफे के तौर पर अता किए। खुदा की बरकत है, घर में जब भी कोई नेमत आती है तो खुदा की बरकत है। और हम आज इस गाड़ी के लिए, इस ऑपरेशन की कामयाबी के लिए, पूरे खानदान की खुशहालियों और सलामती के लिए, और आप सब के लिए जो कि आज इस शुक्रगुजारी की इबादत में आए हैं, हम आज आपके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा खुदा आपके घरों को बरकत दे, खुदा खुदा आपके बच्चों को बरकत दे, खुदा खुदा आपके कारोबार को बरकत दे, और आप हमेशा खुश रहें और शादाब रहें और जिंदगियों से हमकनार रहें। आए हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर आज की पाक रस्मात में हिस्सा ले सके। मैं काद मुतले खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों निसफरत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकद्दस मरियम हमेशा कमवारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे बिल तमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें और काद मुतले खुदा सब रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। हम दुआ मांगें, अज़मी आसमान के खालिक और मालिक खुदा, हम तेरे बेहद शुक्र गुजार हैं जिंदगी की सारी नेमतों के लिए, जिंदगी के खूबसूरत तोहफे के लिए जो तूने हमें अता किया। ऐ खुदावंद खुदा, तूने हम सबको अपनी पाक शबी पर बनाया है और हमें बरकत दी है कि बड़ो फलो और जिंदगी को मामूर करो। ऐ खुदावंद खुदा, जिंदगी को और मामूर करने का फजल तूने हमें अता किया है। ऐ खुदावंद, हम आज दुआ करना चाहते हैं अपने बेटे शालोम पॉल के लिए, जिसका ऑपरेशन दिल का कामयाबी से हुआ है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस नई गाड़ी के लिए जो कि तूने सैमसन को अता की, हम इसके शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदा खुदा, हम सबके साथ हो ताकि हम अपने ईमान में कायम और मजबूत रहें, क्योंकि हर बरकत हमें तुझही से हासिल होती है। ऐ खुदा खुदा, हमें ऐसा दिल अता कर जो शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। तेरे कलाम में लिखा है हमेशा खुश रहो, मुसलसल दुआ करते रहो, हर बात में खुदा खुदा की शुक्रगुजारी करते रहो। ऐ खुदा खुदा, हम आज इसी ईमान के साथ तेरे हुजूर ये पाक कुर्बानी चढ़ाते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। मुकद्दस लूसस का खत इब्रानियों के नाम 10वें बाब की 11वीं आयत से, और हर एक काहिन तो हर रोज खड़ा होकर इबादत करता है और बार बार वही कुर्बानियां गुजरानता है जो हरगिज गुनाह मिटा नहीं सकती,
लेकिन ये गुनाहों के लिए एक ही कुर्बानी चढ़ाकर हमेशा के लिए खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और मुंतजर है कि उसके दुश्मन उसके पांव की चौकी कर दिए जाएं, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उन्हें जो मुकद्दस किए जाते हैं हमेशा के लिए कामल कर दिया है। और रूह कुद्दस भी हमारे लिए गवाही देता है, क्योंकि ये कहने के बाद कि ये है वो अहद जो मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, खुदा फरमाता है कि मैं अपने कवानीन के दिलों में डालूंगा और उनके सहन पर उन्हें नक्श करूंगा और उनके गुनाहों और उनकी खताओं को मैं फिर कभी याद ना करूंगा। बस जब इनकी माफ़ी हो गई है तो फिर गुनाह के लिए कुर्बानी कहाँ रही। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। के मुताबिक खुदावंद तेरी तरजीह हो। फिर वो झील के किनारे तालीम देने लगा और ऐसा बड़ा हजूम उसके पास जमा हो गया कि वो झील में एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम खुशकी पर झील के किनारे रहा और वो उन्हें तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तलीम में उनसे कहा, सुनो, देखो बीज बोने वाला बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा और जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और फल दिया यानी वो उगा और बढ़ा और 30 गुना फल लाया और कोई कोई 60 गुना और कोई कोई 100 गुना भी। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। अंजिले पाक के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। आमीन। तेरी स्तुति हो सब। आज हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं उसकी दी हुई सारी नेमतों के लिए, बरकात के लिए, वो जो जिंदा खुदा हमारी जिंदगियों में अदा करता है। खुदा ने हमें अपनी पाक शबी पर बनाया। हम तकवीन की किताब में पढ़ते हैं कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं और हम सब कि वो मोमन और मोमना जो खुदा की सूरत पर, खुदा की सूरत पाक, खुदा की सूरत जलाली, खुदा की सूरत भरपूर, और उस खुदा ने हमें अपनी पाक सूरत पर बनाया। इसलिए सबसे पहले उस खुदा का इस बहुत बड़ी बरकत के लिए, इस रहमत के लिए, इस कसरत की जिंदगी के लिए शुक्र अदा करते रहे।
उसे मैं अपना बेटा बेचा यीशु मसीह मरा मसीह निजात रहिंदा जो कसरत की जिंदगी बांटे। वो कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ, ना सिर्फ जिंदगी बल्कि कसरत की। वो मसीह अपनी मौत और अपनी क़यामत से हमें कसरत की जिंदगी देता है, और कसरत की जिंदगी खुशी की जिंदगी, कसरत की जिंदगी भरपूरी की जिंदगी है, कसरत की जिंदगी फरवानी की जिंदगी है, और कसरत की जिंदगी शुक्रगुजारी की जिंदगी। हम आज यहाँ पर शुक्रगुजारी के लिए इकट्ठे हुए, शुक्रगुजारी के लिए उस गहराने के लिए जो कि आज खुदा की दी हुई सारी नेमतों का शुक्र अदा करते, खुदा की हर कुदरत का जो इस घर में कसरत से जाहिर होती। आज ये गहराना शुक्रिया अदा करता है क्योंकि कलाम में लिखा है कि हर बात में खुद हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बहुत सारे खतूत शुक्रगुजारी की बात करते हैं, बहुत सारे जबूर शुक्रगुजारी से भरे हुए उस खुदा की शुक्रगुजारी के लिए जो इंसान की जिंदगी में ढेरों बरकत अदा करते हैं। हम आज यहां पर शुक्रगुजारी के लिए आए उस खुदा के लिए जो कि हमेशा हमारी जिंदगियों में भरपूरी से बरकत अदा करते हैं। सबसे बड़ी बात शुक्रगुजारी की यह है कि वो हमसे प्यार करते, वो हमसे प्यार करता है, हम पर कसरत से अपनी रहमत नासिर फरमाते हैं। रहमत नाल भरया होया रब यहोवा साडा, वो रहमत से भरा हुआ, और उसकी रहमत मुख्तलिफ तरीकों से हमारी जिंदगियों में जाहिर होती है। हमारे बच्चों को जब शिफा मिलती है तो खुदा की रहमत जाहिर होती है। आज हम अपने इस शालूम बेटे के लिए दुआ करते हैं जिसका दिल का ऑपरेशन हुआ और खुदावंद खुदा ने उसको शिफा अदा की। इतने नाजुक ऑपरेशन में, इतने मुश्किल ऑपरेशन में खुदा का जलाल वो जाहिर हुआ, खुदा की शिफा जाहिर, खुदा की बरकत जाहिर हुई, और आज ये घराना खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करता कि जो खुदा हम पर कसरत से बरकत अदा करता है। खुदा हमारे घरों में मुख्तलिफ किस्म की नेमतें अता करते हैं, हम सोचते भी नहीं कि खुदा किस तरह हमारे घरों में नेमतों के अंबार लगा देते हैं। ये खुदा की शुक्रगुजार, खुदा की रहमत है, खुदा की बरकत है कि खुदा मुख्तलिफ तरह से हमारी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करते हैं। इस घर को, इस खानदान को जो खुदा ने ढेरों बरकत अता की, कारोबार में बरकत अता की, उन्हें खुदा खुदा ने गाड़ी की सूरत में बरकत अता की, इस ऑपरेशन में कामयाबी की सूरत में बरकत अता की, और भी ढेरों बरकत खुदा खुदा इस खानदान को अता करता है। आए हम आज इनकी सारी शुक्रगुजारियां खुदा उनके जूर पेश करते हैं, और आप सबके लिए भी हम दुआ करते हैं कि आज आप जो इनकी खुशी बांटते हैं कि खुदा खुदा आपके घरों को ढेरों बरकत से मालामाल करें, खुदा आपके घरों में हमेशा बरकत के अंबार लगाए, और बरकत उसी सूरत में मिलती है जब हम खुदा पर यकीन और भरोसा और तवक्कुल करते हैं। वो खुदा कहते हैं कि अपना भरोसा मुझ पर रखो, अपना ईमान मुझ पर रखो, मैं तुम्हारी हर राह को हमवार करूंगा।